एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है स्माइरल हरमुला एंड फैमिली। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली मेरे लिए है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आओ मेरे साथ। मम्मा। यस मेरी प्यारी मम्मा, क्या चाहिए आपको आज? प्यारी प्यारी मम्मा हो रहा है। आपने बोला था ना कुछ कंटेंट सोचो जो हम नेक्स्ट व्लॉग में बनाएंगे। हाँ। तो मैंने सोच लिया है। क्या? मॉम सेज यस फॉर एवरीथिंग। हाँ? अच्छा व्लॉग शूट भी हो रहा है साथ में। यस मॉम सेज यस फॉर एवरीथिंग, लेकिन ये कैसे होगा? सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि हम ये चैलेंज करेंगे। कंफ्यूज हूँ स्वायरा, वो चीज ना बोल दे कि जिसके लिए मैं यस कर ही नहीं सकती। तो यार मम्मा ना बोलती है कुछ कुछ चीजों के लिए, कुछ कुछ चीजों के लिए मम्मी हाँ बोलती है, तो हमारे बच्चों का दिल टूट जाता है जब ना वर्ड निकलता है मम्मी के मुंह से। अच्छा दिल टूट जाता है आपका? यस। तो इसीलिए आप हाँ बुलवाना चाहते हो? यस फॉर एवरीथिंग। एवरीथिंग, ये तो गलत बात है यार। अब चैलेंज है ये। अब चैलेंज तो फिर आपके लिए थोड़ी ना हुआ, ये चैलेंज तो मेरे लिए हुआ। लेकिन मेरी डिमांड पूरी हो रही है ना। चलो स्माइरा की खुशी के लिए करते हैं ये चैलेंज। ओके। हाँ तो फिर कैसे करें? सबसे पहले आप चलो मेरे साथ बाहर। बाहर? आज तो ठंडा यार, मैं तो रेस्ट कर रही थी, सोचा था कि आप मना नहीं कर सकते। चैलेंज का नाम है से यस। हाँ करूंगी से यस। ओके यस। ये बाहर कहाँ जा रहा है पहले ये तो बताओ। वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि अगर आप किसी चीज के लिए चैलेंज के अंदर ना कर दो फिर घर से पर निकले रास्ते में मना लेंगे, मम्मी को पटा लेंगे। yes. यही प्लानिंग है ना आपकी, समझ सकती हूँ मैं, मम्मी हूँ मैं आपकी। लेकिन थोड़ा हिंट तो दो, कहाँ जाना कहाँ है? बाहर बाहर जाना है, हमने घर से बाहर जाना है। घर से बाहर मतलब अपने गार्डन में? नहीं नहीं नहीं। और मार्केट में? यस मार्केट में। ओके तो पापा भी साथ जाएंगे, हम दोनों नहीं जाना है? पापा भी साथ चलेंगे क्योंकि हमें जाना है गाड़ी पर, अगर रास्ते में बारिश हो गई हम भी जाएंगे। अच्छा हाँ मौसम खराब है ना आज। तो चलो गाइस चलते हैं और फिर स्माइरा के इस चैलेंज को सक्सेसफुल करते हैं और देखते हैं कि आज ये क्या क्या डिमांड्स मम्मी से करने वाली है और इसको हर चीज में हाँ चाहिए। लेट्स सी कि ये किस किस चीज में मेरे से हाँ करवाती है। ओके चलो हम घर से निकल चुके हैं और अब स्माइरा आपको बताएगी कि वो हमें कहाँ लेकर जा रही है। बताओ। हम जा रहे हैं पार्क। पार्क लेके जा रही है आपको? पार्क? स्माइरा के पापा भी कंफ्यूज हो गए कहाँ जा रहे हैं हम। घर से तो निकले अभी, मेन रोड पे पहुंचे हैं, तो उसने बोला कि अभी थोड़ा आगे, तो चलो बताती हूँ मैं आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। कौन से पार्क जा रहे हो आप? हम जाएंगे वहाँ पर एक पेंसिल होती है ना। पेंसिल पार्क। अच्छा वो वाले पार्क लेके जा रही है? ओके वहाँ जा रही है ये, आपको पता ना? हाँ मेरे को पता रास्ता। हाँ तो यहाँ पे एक पार्क है हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, उसके बाहर पेंसिल्स का डिजाइन बना हुआ है, तो स्माइरा ने उस पार्क का नाम भी रख दिया है पेंसिल पार्क। ओके तो अब हम मना भी नहीं कर सकते क्योंकि घर से निकल चुके हैं। बोले यस यस वी आर गोइंग टू पार्क। बहुत खुशी होती है ये शब्द सुनकर। हमें बहुत तकलीफ होती है इस शब्द बोलकर। हर बात के लिए यस बोलना बहुत मुश्किल है, स्पेशली बच्चों के लिए, पर अगर ये बच्चों वाली बातें मनवाएगी तो डेफिनेटली हम यस करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले पार्क में और स्माइरा को एंजॉय करवाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि वो पार्क में क्या खासियत है। यस हम पार्क के पास में पहुंच चुके हैं, तो आपको दिखाते हैं कि पेंसिल पार्क बाहर से कैसा है। ये देखिए नटराज की पेंसिल्स ही पेंसिल्स, स्माइरा निकाल के ले जाएंगे। कितनी पेंसिल्स, अभी आगे और भी आएंगी, देखते जाइए आप। और बड़ी भी हैं। हाँ साल तक एक पेंसिल चलेगी। शार्प भी की हुई है। है ना जादुई पेंसिल। यस अभी खत्म ही नहीं हो रही है, देखिए पार्क भी कितना बड़ा है और पेंसिल्स भी बहुत सारी हैं। अब जाके खत्म हुई है गोलगप्पे वाले भैया के पास।
हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और स्मायरा देखो कितनी एक्साइटेड है पार्क में जाने के लिए। और पार्क जस्ट अभी खुला है, शाम के बज चुके हैं 4:15 और बच्चे बाहर लाइन बना के खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे कि कब गेट ओपन हो और हम अंदर जाएं। उनको देख देख के स्मायरा भी भाग रही है। ये देखो अब डोगी आगे आके डर जाएगी, वो देखो क्या हुआ तो आप शेर नहीं हो ना हाँ डरती हो कुत्ते से वो तेरे से डर के भाग गया। लॉक लगा हुआ है, पार्क 5 बजे खुलेगा। पार्क का गेट बाहर से बंद है, लॉक है, सब वेट कर रहे हैं, लेकिन अंदर भैया जी पता नहीं कैसे अपने बच्चे को घुमा रहे हैं, बाहर से ताला लगा दिया है। VIP पर्सन लग रहे हैं मुझे तो। मम्मा पार्क तो बंद पड़े तो मुझे आइसक्रीम ही खिला दो। कहाँ है आइसक्रीम? अच्छा क्वालिटी वॉल्स वाले भैया खड़े हैं, लेकिन yes. मौसम ठंडा है स्मायरा। मम्मा ये चैलेंज है, यस तो बोलना पड़ेगा, बोलो ना अब तो इसको एडवाइस भी नहीं दे सकते हैं कि मौसम ठंडा है। देखो सबने विंटर वियर पहन रखे हैं और भी पहन रखी है। हाँ और आइसक्रीम खानी है, क्या करे yes. चैलेंज को नो में कन्वर्ट ना कर दे। ऐसे करो ना, इसको गर्म वाली थोड़ी ले देना। यहाँ पे स्मायरा अपने लिए कौन लेती हुई, उस भैया से स्मायरा की फेवरेट आइसक्रीम भी नहीं मिली हाँ। तो हम आ गए हैं सामने शॉप पर। कौन सी ले रहे हो आप? ब्लू कॉर्न। ब्लू कॉर्न वनीला कॉर्न? यस। ओके जूनियर वनीला कॉर्न। आपकी तरह जूनियर? यस। मम्मा आप भी मेरे साथ खाओ। ठंड है मैं नहीं खाऊंगी। खानी पड़ेगी, ये से चैलेंज। पापा आ रहे हैं, पापा को कोई पनिशमेंट नहीं है, सारी नहीं। मुझे है। Yes. आप शेयर कर लोगे? क्यों? मैंने ये चैलेंज करना ही नहीं है। आपने खानी है पूरी। पापा के साथ भी ये चैलेंज बनाना पड़ेगा। ठीक है पापा को भी दे देते हैं। अभी नहीं, पापा के लिए नेक्स्ट चैलेंज बनाएंगे फिर। ओके ओके क्या करें, माननी तो पड़ेगी चैलेंज के लिए। यस करके घर से आए हैं। वो देखो पीछे अपने लिए चाय ठंड में, मुझे फंसा दिया देख लो। Yes, I will eat this ice cream, guys. गर्मा गर्म चाय पी लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लो। चलो खाते हैं। फाइनली पार्क ओपन हो गया है, देखिए बच्चे कैसे भाग रहे हैं। अच्छे वाले मुझे सैंड के टूल्स लेकर दो। स्मायरा को अंदर सैंड के साथ खेलना है, उसके लिए इसको चाहिए सैंड टूल। कितने का भैया ये? 150 का। कितने का लगेगा? हाँ हमने पहचान लिया, हमें सब तब के पहचान लिया। हाँ तब के पहचान लिया, तब से पहचान लिया, खड़े थे ना उधर ही पहचान लिया। अच्छा स्मायरा ने एंट्री कर ली है पार्क में। स्मायरा सबसे पहले आप स्लाइड्स लोगे या फिर सैंड के साथ खेलोगे? पहले मैं स्लाइड्स लूंगी, आफ्टर दैट आई विल प्ले विद द सैंड। ओके आफ्टर दैट यू विल प्ले विद सैंड। स्मायरा कहाँ चली गई? इतने बच्चों में दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा उधर से जा रही है, वो रही मायरा। ये वाली स्लाइड लेकर आएगी, येलो ग्रीन वाली। लगी लगी लगेगी भी, आप खेलोगे तो एंजॉय भी होता है, लगती भी है। बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। अभी रेनबो स्लाइड ले रही है स्मायरा। ये डैमेज हो गया ना? यस, लेकिन बहुत मजा आया। हाँ फ्रेंड्स, इस पार्क के बाहर है पेंसिल, तो मैंने इसका नाम रख दिया था पेंसिल पार्क, लेकिन इसका नाम पेंसिल पार्क नहीं है, इसका नाम है कार पार्क। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस पार्क का नाम कार पार्क क्यों है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी सारी कार्स हैं, इसलिए हम इस पार्क को कहते हैं कार पार्क। हाँ ये देखिए गाइस कितनी सारी कार्स। क्या हुआ? उसके साथ एक्सेप्ट। कौन है ये यूट्यूबर? यहाँ पे स्मायरा के फैंस स्मायरा को मिलते हुए। और यहाँ पे है बच्चों के फेवरेट कार्टून्स। कौन कौन से हैं मुझे नहीं पता है। डक है, छोटा भीम की पूरी फैमिली है। छोटा भीम की पूरी फैमिली है। यस। चलो हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे सैंड है, सैंड
चलो चलते हैं ना। ये लॉयन डिजाइन किया हुआ है, मेक इन इंडिया का सिंबल जो होता है। मैं जा रही हूँ अंदर सैंड से खेलने। कपड़े गंदे करके आएगी मायरा, मत जाओ सैंड में, क्या करना है, कपड़े गंदे हो जाएंगे, रहने दो। मैं सोच रही हूँ बोल क्यों नहीं रही है, भूल गई थी ये भी, है ना, सही बात है। चलो जाओ फिर जल्दी, यस यस यू कैन गो। देखिए सारे बच्चे कैसे सैंड के साथ मस्ती कर रहे हैं, कभी हम भी ऐसे मिट्टी में खेला करते थे, और आजकल ये हमारे बच्चों का बचपन है। फ्रेंड्स, मैंने कार पार्क में ढेर सारी मस्ती की, मस्ती करके फिर से हम अपनी कार में आ गए हैं। अभी हम जा रहे हैं घर पे, अभी और... हम जा रहे हैं मॉल। मॉल? यस। मॉल में क्यों? पापा भी सरप्राइज हो गए। चलो तो सही, मॉल में आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाली हूँ वहाँ पर। अच्छा, मॉल में क्या होता है? खाना पीना शॉपिंग, बस। शॉपिंग मैंने करने नहीं देनी आपको। क्यों? यस बोलना आपको। मम्मा ऐसा फंस गए हम लोग, मम्मा भूल जाती है कि ये चैलेंज ही यस वाला है। हाँ सही में, तो कोई बात नहीं, चैलेंज तो पूरा करना ही है। हाँ बोलना पड़ेगा जो भी ये बोलेगी आज। तो चलो मॉल में चलते हैं और फिर देखते हैं कि वहाँ पे इसकी क्या क्या डिमांड्स होती है। सुमायरा हमें मॉल लेकर आ गई है, और इस मॉल का नाम है वेगा सिटी मॉल, जहाँ पे हमने बहुत टाइम के बाद विजिट किया है। तो बताओ अब यहाँ पे क्या ऐसा करना है जिसके लिए आपको मेरी यस चाहिए? सबसे पहले मुझे खाना है और पीना है। क्या खाना है और क्या पीना है? मुझे खाना है पाव भाजी और पीना है कोरिएंडर का शेक। वो तो हम घर पे भी ऑर्डर कर देते हैं। हाँ, इसमें क्या बात ही, इतनी दूर मॉल आए हैं हम खाने पीने के लिए। अगर हम यहाँ पर स्पेशल करें तो हम यहाँ पर खा भी लेंगे और कुछ स्पेशल भी कर लेंगे। वो मुझे पता है स्पेशल आप क्या करने आए हो, वही। अच्छा, वही वही, वो भी आपको दिखाएंगे। गाइस की देखते जाइए ये यहाँ पे क्या क्या करने आई है। सबसे पहले इसकी पेट पूजा करवाते हैं। ओके चलो, स्मायरा को यस है पाव भाजी खाने के लिए और कोरिएंडर शेक पीने के लिए भी यस है। चलो यहाँ पे स्मायरा की आ गई है पाव भाजी, और साथ में लाइम जूस लिया है स्मायरा के पापा ने। कोरिएंडर शेक, कोरिएंडर शेक भी ऑर्डर किया हुआ है, अभी रेडी हो रहा है, तब तक आप ये तो खाओ। तो जब हम पाव भाजी खा रहे थे, पापा ने कोरिएंडर शेक ऑर्डर नहीं किया था, क्योंकि पापा कहते हैं कि अगर आप गरम खा रहे हो तो उसके ऊपर से हमें ठंडा कुछ नहीं खाना पीना है। क्योंकि उससे गला खराब हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। तो अभी हम आए हैं कोरिएंडर शेक लेने, स्मायरा के लिए रेडी हो रहा है। किटकैट वाला किटकैट शेक ऑर्डर किया है स्मायरा ने अपने लिए। यहाँ पे स्मायरा के लिए किटकैट शेक रेडी कर रहे हैं भैया, वनीला आइसक्रीम। अभी और आइसक्रीम ऐड करेंगे, अभी और। स्मायरा ये तो आइसक्रीम शेक हो गया, स्मायरा भी पापा की गोदी चढ़ गई है, वो वेट कर रहे हैं आइसक्रीम। हाँ अभी ऐड कर रहे हैं मिल्क, चॉकलेट सिरप, मेन चीज देखो, इसलिए ये हमें यहाँ लेकर आई है। हाँ अंकल एक ही स्लाइस डालेंगे, बाकी इन्होंने छिपा दिया है। ये हो गया है शेक बनना स्टार्ट, डिलीशियस यमी। बॉटल में पोर कर रहे हैं। सुपर्ब सर, सुपर्ब, थैंक यू, एंजॉय। तो स्मायरा कैसा बना है किटकैट शेक? आइसक्रीम का टेस्ट आ रहा है या किटकैट का आ रहा है? दोनों का आ रहा है। आइसक्रीम ज्यादा यूज की थी ना उन्होंने, किटकैट तो थोड़ा सा ही ऐड किया था। यस। यम्मी है? यस, टेस्टी है। हमें टेस्ट करवाओगे या नहीं? पहले आप पियो। नहीं आप पियो, क्योंकि आपने अभी बहुत सारी यस चीज करनी है। अभी और अभी बताओ क्या करें। अभी चलो हम हैमलीज, हैमलीज में क्या करना है? आओ तो सही,
अभी खर्चा करवाएगी ये और मैं ना नहीं बोल सकती हूँ। चलो चलते हैं इसको लेकर। हाँ सुमायरा, क्या देखना है आपको यहाँ से? कुछ परचेज करना है? यस। क्या? क्या उठाया इसने? डायरी? यस। डायरी यू हैव ना? आई गेव यू पिंक कलर डायरी ऑलरेडी। पर वो है वीकली प्लानर। ओके, और ये क्या है? डेली प्लानर? नहीं, इसमें हम अपने नोट्स लिख सकते हैं। नोट्स लिख सकते हैं? यस। तो क्या मैं ले लूं? नहीं नहीं, नहीं वाला शब्द नहीं बोलना है, हाँ वाला शब्द बोलना है। ये तो फंसाने वाली बात है। सही बात है, ये तो कुछ भी करेगी यार, ये तो गलत बात है ना। ये चैलेंज कहाँ से आपने आइडिया लिया? दिमाग से, क्योंकि आप हमेशा नो 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 करते हो। एक काम करते हैं, ये चैलेंज क्यों ना हम भी स्माइला के साथ एक दिन प्ले करें। सही बात है, बहुत मजा आएगा हमें भी। आज आप मजे कर लो। ठीक है। ओके, मुझे ये नहीं चाहिए डायरी। नहीं चाहिए तो मैं कुछ और देखती हूँ। ओके, बाय। फ्रेंड्स, मैंने टॉयज खरीदे और भी शॉपिंग की, वो मैं आपको घर पर जाकर दिखाऊंगी। तो फाइनली हमारा यस चैलेंज हो गया है कंप्लीट। नाउ आई एम, अभी नहीं हुआ है। मुझे तो लगा कि अब मैं रिलैक्स हूँ, स्माइरा को किसी चीज के लिए हाँ नहीं बोलना पड़ेगा। जब तक मैं सोती नहीं ये चैलेंज चलता ही रहेगा। तो आपको घर जाकर सुला देते हैं, ये चैलेंज खत्म कर देते हैं। अच्छा हुआ ये चैलेंज मम्मी के साथ ही है। स्माइरा पापा के साथ कर रहे हैं ये चैलेंज, देख लो आप, पापा मुझे चैलेंज कर रहे हैं अब। क्या पता जो मैं एक्टिविटीज आपसे करवाने वाली हूँ उसमें पापा का भी रोल हो। पापा बी रेडी। ओके, तो घर चलते हैं और फिर देखते हैं कि घर पे जाके स्माइरा कैसा चैलेंज हमें देती है जिसमें मुझे यस करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हम घर पर आ चुके हैं। बहुत थका दिया स्माइरा ने आज यस यस के चक्कर में। तो आपको क्या करना था? यस ही बोलना था, और क्या करना था? बहुत मुश्किल है वो यस बोलना भी, चैलेंज था बहुत बड़ा मेरे लिए। अभी ये बोल रही है कि चैलेंज अभी पेंडिंग है। यस, तो क्या करना है बोलो जल्दी, फिर मुझे नींद आ रही है। सबसे पहले तो आप मेरे लिए खाना बनाओ। खाना तो सबके लिए बनाना है, तेरे लिए क्या स्पेशल बनाऊंगी? यस यस। क्या? क्योंकि मैं बोलती हूँ कि आप बनाओ कढ़ी चावल। ओ, इस टाइम कढ़ी चावल, टाइम देखो कितना हो गया। यस यस। यस थी, यस थी, आज तो लेकर बैठ गई है मुझे। बोलो यस। यस, कढ़ी चावल बनाते हैं स्माइरा के लिए। यस बिल्कुल बनाएंगे हम। कड़ी कौन सी खानी है, पकोड़े वाली या सिंपल? जैसे आप बना दोगे। नहीं, जैसे आपको खानी है वैसे ही बना देंगे हम तो। वो आपकी चॉइस है, लेकिन मुझे कड़ी ही चाहिए। कड़ी तो बना देते हैं, फिर पापा बोलेंगे पकोड़े वाली कड़ी क्यों नहीं बनाई, तो फिर बनानी पड़ेगी ना वही। जब बनाने ही लगे हैं तो फिर अच्छी वाली कड़ी बनाएं। यस। ओके, तो चलिए गाइस बनाते हैं फिर स्माइरा के लिए कड़ी चावल और हम भी खाएंगे साथ में आज यम्मी यम्मी डिनर। फ्रेंड्स, मम्मा ने कड़ी चावल बना दिए हैं। स्माइरा की डिमांड पे मैंने बना दी है पकोड़े वाली कड़ी। मम्मा, लेकिन हम खाएंगे बाद में। क्यों? सबसे पहले मुझे यूट्यूब फैमिली को दिखाने दो कि मैं क्या क्या लेकर आई आज। तो फिर खाना ठंडा हो जाएगा। यस यस। ब्लैकमेल कर रही है। मुझे लगा ये एग्री कर रही है। हाँ, मुझे भी यही लगा। यस, कि ये बोल रही है ठंडा हो जाएगा। यस हाँ, यस हाँ, मम्मा ठंडा तो हो जाएगा, पहले खा लेते हैं। चलो गाइस बाद में खाएंगे, आप टेस्ट कर लीजिए यहीं पे, बाद में मिले या ना मिले आपको। ये पकोड़े वाली कड़ी बनाई है मैंने और साथ में स्टीम राइस बनाए हैं, बॉइल्ड राइस है जिसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा देसी घी, तो इसको आप घी राइस भी बोल सकते हो। और पकोड़े वाले क्यों बनाई है? पापा के लिए। यस, क्योंकि पापा को पसंद है इसीलिए। यस, तो चलो फिर चलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। ओके, ये है 2 कैरी बैग्स जिसमें है स्माइरा के लिए बहुत कुछ, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, सारी शॉपिंग स्माइरा ने की है। यस बुलवा बुलवा के, खाना है तो यस बोलो, खरीदना है तो यस बोलो, खेलना है तो यस बोलो, जाना है तो यस बोलो, घर पे भी इसकी मर्जी से हम आए हैं। और रात के 10 बजे हम घर पे आए हैं देखिए, और आने के बाद मैंने डिनर बनाया इसकी फरमाइश पे। ये चैलेंज इसके साथ भी हम करेंगे, किट फॉर टैट भी होगा।
चिंता मत करो। और हम ऐसा चैलेंज करेंगे ना इसके साथ, इसने सोचा नहीं होगा, इसे तो बोला ये खिला दो चलो ठीक है खिला देते हैं, ये ले दो चलो ठीक है ले देते हैं। लेकिन मैंने बच्चों वाली बातें की है, आप तो एडल्ट्स वाली बातें करोगे कि मुझे ये लिपस्टिक चाहिए, पूरा इसका कलेक्शन चाहिए। नहीं नहीं, चैलेंज आपके साथ होगा मेरा, जो मम्मा बोलेगी उसमें स्माइला को यस करनी है। yes. वो पता है कैसा चैलेंज होगा, इतने छोटे बच्चों वाला, तुमने तो अपनी एज वाला किया ना, ये टॉय ले दो, ये गिफ्ट ले दो, ये ड्रेस ले दो, ये ले दो। मैं तो बहुत छोटे बच्चों वाला करने वाली हूँ आपके साथ, मैंने तो वही सोच लिया था मॉल में कि जो ये परेशान कर रही है ना आज मुझे, इसका बदला तो जरूर लेना चाहिए और बहुत जल्दी मैं बदला लूंगी इससे। स्माइला से यस टू मम्मा। ओके यस करोगे ना चैलेंज के लिए भी मैंने यस कर दिया। हाँ आप गाइस आप प्रूफ हो, देखो स्माइला ने यहीं पे बोल दिया कि यस मैं ये चैलेंज आपके साथ करूंगी, तब हम इसको बहुत सारा परेशान करेंगे। पापा ये वाला सीन आप ऐड मत करना, ठीक है ना, पापा क्या नहीं ऐड करेंगे, पापा तो अपना काम में बिजी रहते हैं। जब मम्मा ये वाली क्लिप ऐड करेगी ना तो मम्मा का माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देना, मम्मा के माइंड से निकल जाएगा कि ये क्लिप हमें डालनी है या नहीं। कहीं मेरे माइंड में रहेगी ये क्लिप तो बहुत ज्यादा अच्छे से घुस जाएगी अंदर। चलो हम आपको दिखाते हैं कि स्माइला ने अपने लिए क्या लिया है, बहुत काम काम की चीजें ली है, ऐसा वैसा नहीं लिया है। सर्दियों के लिए सॉक्स, सर्दी आ गई है उसके लिए स्माइला ने ली है सॉक्स, पैक ऑफ थ्री, मत ओपन करो ऐसे ही दिखाओ। मैं दिखाती हूँ ना कलर्स, इसके ऊपर भी कलर मेंशन ही थे ना, इन्हें लाइव रियल में देखने जाती हूँ। डार्क पिंक ऑल टाइम फेवरेट, लाइट ब्लू और पीच, पीच और तीनों भी यूनिकॉर्न है। यस हाँ तीनों पेयर यूनिकॉर्न वाले हैं, सेम डिजाइन का है। यस और सॉक्स पहननी है, और इसका प्राइस है इस पे लिखा हुआ, ये रहा बिल 299, ये रहा देखो ये लिखा हुआ 299 रुपीस। यस क्योंकि ये यूनिकॉर्न की है इसलिए महंगी है। यस 299 की थ्री पेयर, बट ठीक है हमारे टाइम पे बचपन में हम लोगों की सॉक्स आती थी 20 रुपए की 25 रुपए की। सही में। और सॉक्स के साथ पहनने के लिए स्माइला ने लिए हैं शूज, डिफरेंट स्टाइल में शूज लिए हैं, और इसका प्राइस है 1399। ओके इसके बाद स्माइला ने बोला कि सर्दी है शू गंदे हो जाते हैं और जब वॉश करो तो जल्दी से सूखते नहीं है, तो मैं फिर क्या पहनूं, तो उसके लिए इसने लिया है एक और पेयर ग्रीन कलर में। ये देखिए ये लेजिस वाले हैं, वो विदाउट लेजिस थे, वो लोफर लोफर बोलते हैं ना ऐसे शूज को, हमारा के पापा पहनते हैं ऐसे शूज, इनको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, इसके लिए हमने पहली बार ऐसे लिए हैं। और इसका प्राइस है 1199। बहुत खर्चा करवाया मैंने, अब रियलाइज हो रहा है वहां तो हुआ नहीं, वहां तो सोचा नहीं कितने महंगे हैं मैं एक ही पेयर ले लूं, वहां तो यस 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 करवा करवा के खर्चे करवा दिए, और अब बोल रही है कि महंगे थे। चलो एक कैरी बैग होता है हमारा खत्म, में देखते हैं कि ये क्या लेकर आई है। ये बहुत मेरे काम की चीज, सब मेरी काम की चीज है, ये कौन सा हमारे काम की चीज है। ये हमने ट्राई किया था गिफ्ट स्माइला को बर्थडे पे देने के लिए, लेकिन तब आउट ऑफ स्टॉक था, हम हैमलीज में गए थे, ये नहीं मिला, तो आज इसने बाहर ही देख लिया, वो डेमो दे रहे थे तो मुझे लेकर दो लेकर दो। सीजर है क्या? चलो ऐसे ही निकल जाएगा, रुको सीजर लेकर आऊं क्या, जरूरत ही नहीं है। ये देखो इसके साथ हमें बैटरी भी मिली है। हाँ बैटरी डालनी पड़ेगी, कहाँ पे पता नहीं, पता नहीं। यस यहाँ पर, अच्छा स्क्रू निकालना पड़ेगा इसका। यस है ना, और साथ में इसका रिफिल भी आया है, छोटी सी बोतल, बहुत मस्त चलती है ये गन, मैंने भी टेस्ट की थी वहाँ। ये बोतल आई है इसमें रिफिल करने के लिए,
अभी हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसमें डालते हैं बैटरी, क्योंकि उसके बिना ये चलेगा नहीं। स्मायरा के पापा बबल गन में बैटरी डालते हुए इसके बाद हम करेंगे रिफिल और चलाएंगे बबल गन। ये टूल किट पूरी रख रखी है मैकेनिक ने अपने पास। फ्रेंड्स, तो पापा ने बैटरी डाल दी है और लाइट भी अभी आ जाएगी। पापा चली गई। आ गई। अभी क्या करना है? सबसे पहले हम ओपन करेंगे सेकंड गिफ्ट, उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। ओके। ये क्या वाटर बॉटल है? योगा मैट है? इतना छोटा सा योगा मैट होता है क्या? होता है, क्यों नहीं होता है? आपकी मिनी के लिए होगा। नहीं नहीं, ये तो जूस है, जूस गन्ने का। ये मॉकटेल है। वो देखो, मॉकटेल है गाइस, मॉकटेल। ये मॉकटेल नहीं है। किसका फेवरेट है? बताइए। वार्निंग दी हुई है, ये मॉकटेल और जूस नहीं है। ये बबल्स निकालने के लिए वाटर है, सरफ वाला पानी है ये। अगर ये वाली बोतल खत्म हो जाए तो हम ये वाली बोतल यूज कर सकते हैं। इसलिए स्मार्ट ने इतनी बड़ी बोतल ले ली है। देखो हम क्या करते थे पता है आपको? क्या? जब हम बबल यूज करते थे ना, बबल गम तो नहीं होती थी हमारे टाइम में, और ये स्टिक वाला जरूर होता था। हम क्या करते थे, कपड़े धोने वाला सरफ लिया, उसमें गर्म पानी डाला और उसको अच्छे से उसकी झाग बना दी और उसी से करते थे। और अब रेडीमेड बोतल आने लग गई है, बबल्स सॉल्यूशन। चलो अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। ध्यान से बेड पे मत गिरा देना। शेक किया है बोतल को? शेक करते हैं पहले। शेक वेल बिफोर यूज। यस, हमने बोतल को ओपन कर लिया है। अभी इस पाइप को फिक्स करना है इस बोतल के अंदर और यहां से इसको अटैच कर देना है। हाँ, यूज करो करो करो, आएगा। इतने सारे बबल्स, मुझे भी ट्राई करने दो। बच्चों बबल्स पकड़ना। ये ले, अब तू चला। इसमें 3 कलर्स थे, येलो ग्रीन एंड ऑरेंज। मैंने बोला था येलो ले लो, स्मायरा के पापा ने बोला ग्रीन ले लो, ये बोलते मुझे ऑरेंज चाहिए और मना हम कर नहीं सकते थे क्योंकि यस चैलेंज था। तो फिर हमने बोला कि जो आपको कलर चाहिए आप वही ले लो। तो ये थे आज के स्मायरा के यस चैलेंज के गिफ्ट्स। जो इसको चाहिए था वो इसने ले लिया। आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताना। फिर जल्दी मिलेंगे हम से यस टू ममा पापा विद स्मायरा चैलेंज के साथ। तब तक के लिए बाय।